17वीं लोकसभा के गठन के दौरान सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट में मोदी एनडीए के सांसदों को वो संदेश दे गए, एक तरह से चेतावनी के लहजे में बनावटी मुस्कान के साथ, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि देश का कोई प्रधानमंत्री ऐसा कह देगा। उन्होंने सीधे तौर पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया से बात करने के लिए सांसदों को नसीहत दी कि वो बचें और यदि ऐसा हो जाता है तो घंटे भर का समय लें कि उन्हें क्या बात करनी है, राष्ट्र के नाम संदेश देने की परंपरा से वो बचें। मोदी के कहे गए इस कथनी को मीडिया यूं चला रहा है जैसे प्रफुल्लित हो कि ये प्रधानमंत्री ने क्या कहा। दरअसल मदारियों से भरे इस गिरोह में, इस पेशे में, जिसके लिए मैं हमेशा कहता रहा कि 2005-06 के दौरान टेलीविजन पत्रकारिता में संपादकों की एक ऐसी फौज जमा हुई, सनसनीबाज संपादकों की, कि जिन्होंने पत्रकारिता के पूरे पेशे को मवाली और मदारियों का पेशा बना दिया। लुटियन पत्रकारिता, जो मैं कहता रहा, उस लुटियन पत्रकारिता ने पूरी पत्रकारिता को मजाक बनाकर रख दिया। इसमें बड़ी भूमिका निभाई उस व्यक्ति ने जो पत्रकारिता, टेलीविजन पत्रकारिता का मठाधीश कहा जाता है, जिसे प्रणय राय कहते हैं। अब देखिए, आज हम उस मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ऐसे लुटियनबाजों से, ऐसे पत्रकारों से बचिए जो बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। सवाल सिर्फ यह नहीं है, सवाल यह है कि वो चेतावनी दे गए कि दिल्ली के जो गैंग है उससे बचिए। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? आपको याद होगा जब 2G घोटाला सामने आया था तो NDTV की दलाल पत्रकार बरखा दत्त का नाम सामने आया था, बहुत सारे पत्रकारों के नाम सामने आए थे जो डील कर रही थी कि कैसे ए राजा को मंत्री बनाया जाए। दरअसल मंत्रिमंडल के गठन में बड़ी भूमिका लुटियन पत्रकारों की होती थी, दिल्ली के दलालों की बात आज उन्होंने की। ये बेहद गंभीर मसला है और टेलीविजन पत्रकार उसे यूं चला रहे हैं कि जैसे प्रधानमंत्री उनका महिमा मंडन कर रहे हों, बहुत प्रफुल्लित होकर वो चला रहे हैं। देखिए, एक दौर चला कि टेलीविजन में NDTV ने एक परंपरा शुरू की कि उन्हीं लोगों को रिपोर्टर बनाने की जिनके परिवार से, जिनका बैकग्राउंड डिफेंस में हो, जिनका बैकग्राउंड पॉलिटिक्स में हो, ताकि वो सत्ता के साथ साठ गांठ कर सकें। और ये चीज़ें सामने आई कि किस तरह से मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री बनाने में पत्रकारों की भूमिका रही। जो जितना बड़ा दलाल पत्रकार होता गया वो उतना बड़ा बनता चला गया। गुजरात दंगे में उन पत्रकारों ने ऐसी भूमिका निभाई कि उन पत्रकारों ने जाति मजहब के नाम पर रिपोर्टिंग की, जो परंपरा नहीं थी। खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाने लगा और मोदी दरअसल पत्रकारों की पैदाइश हैं, झूठी खबरों की पैदाइश हैं और इसलिए उस दर्द को जानते हैं। मोदी कोई हर कोई नहीं हो सकता कि फेंके गए पत्थर से इमारत बना लें। इसीलिए उन्होंने अपने सांसदों को कहा कि आप बर्बाद हो जाओगे, आप टूट जाओगे दिल्ली के दलालों के चक्कर में यदि पड़ोगे। उनका सीधा संबंध था कि किस तरह की पत्रकारिता हो रही है। आप देखिए कि एक व्यक्ति है, ये नवभारत टाइम्स में उस दिन वोटिंग के दिन एक खबर छपी। प्रणय राय लगातार अभी मोदी की चापलूसी कर रहे हैं, मगर उनके बगल में एक ऐसा व्यक्ति है जो हिंदी पत्रकारिता में, जिसने मोदी विरोध के नाम पर अपनी पत्रकारिता शुरू की, फरेब की पत्रकारिता। इसकी पूरी पत्रकारिता झूठी है और इस व्यक्ति ने अपना एक आवरण बढ़ाया, ये कहना शुरू किया कि यदि आपको हेलीकॉप्टर में चुनाव प्रचार के दौरान कोई नेता दिखता है तो उसके ऊपर चप्पल मारिए, उनसे सवाल कीजिए कि इतना पैसा कहां से लाते हो। और इसी NDTV के इस जमूरे को जब अवसर मिला अखिलेश यादव से इंटरव्यू करने का, तो इसने उसी हेलीकॉप्टर में इंटरव्यू किया, मगर अखिलेश से नहीं पूछा कि तुम्हारे बाप के पास, तुम्हारे पास ये पैसे कहां से आते हैं। कन्हैया कुमार से इंटरव्यू करते हुए ये खुद को, कन्हैया ने कहा कि आपके जैसे वामपंथी पत्रकारिता में आए हैं, ये अच्छी बात है, ये एक पंथी है, पत्रकार है। तो दरअसल
पूरे पेशे को उन लोगों ने बदनाम किया जिसे इस पेशे में बड़ा बनाया गया। एक गैंग आया जिसने सत्ता के साथ साठ गांठ की दलाली करनी शुरू की और आज उसी के लिए चिताया गया कि लुटियन के इन पत्रकारों से बचिए। जब दिल्ली में पत्रकारों कई मीडिया हाउस बंद हुए उस समय किसी ढंग की कोई आवाज़ नहीं लिखी, मगर ऐसे पत्रकार जो ज़मीन से उखड़े हुए हैं, देखिए जिन पर सुन वाजपेयी को हाथ मसलने के अलावा कुछ आता नहीं, उसने कांग्रेस को 150 से ज़्यादा सीट दिलवाई कि आप चुनाव में इतने सीट इस बार मिल रहे हैं जो आंकड़े हमने बताए थे। ज़मीन से ऐसे पत्रकारों कि कोई पकड़ नहीं। और आपने देखा होगा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल के साथ एक वीडियो आया था कि सेटिंग करते थे, तो दरअसल ऐसे सेटर गेटर पत्रकारों से ही उन्होंने कहा बचने के लिए। आपको याद होगा लालू यादव की पूरी राजनीति अपर कास्ट के खिलाफ थी, मगर उनके इर्द गिर्द जो पत्रकारों की फौज थी वो टोटली अपर कास्ट के लोग थे, वो दलाली सेटिंग गेटिंग करते थे, सत्ता चलाते थे। मोदी ने आज उन्हीं तरह के दलाल पत्रकारों से बचने की बात कही है। तो इन दलाल पत्रकारों के साथ कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो आपने इन पत्रकारों के खिकों का महिमा मंडन क्या इन्हें बड़ा बनाया रखा, आज परिणाम ये है कि पत्रकारिता के पूरे पेशे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर ही एक सवाल उठने लगा है। और यदि नेता उससे बचने लगेंगे तो तय सी बात है इस चौथे स्तंभ के लिए बड़ी समस्या होगी, मगर उन समस्याओं से लड़ना भी इस चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी है। नेतागिरी के ना दम पे ये पत्रकारिता नहीं चलती। जो लुटियन पत्रकारों का गैंग जो प्रणव राय की टीम ने बनाई, पत्रकारिता को उससे निकलना होगा। ये सोचना होगा कि किसी मोदी के भरोसे पत्रकारिता नहीं चल सकती, मोदी के सलाह से नहीं, मगर क्यों ये नौबत आई इस पे आज मीडिया को जरूर सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।